हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कई बार हमारे बालों में समय से पहले या फिर समय के बाद पोषण होने की वजह से या फिर कई बार पोषण ना होने की वजह से सफेद बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में सफेद बालों को लेकर काफी ज्यादा मिथक यानी कि गलत फहमियां भी होती हैं। आइए आज जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के द्वारा कि सफेद बालों से जुड़े हुए कई ऐसे गलत फहमियां होती हैं जो लोगों को हो जाती हैं और उनके बारे में सच्चाइयों के बारे में विस्तार से। गलत फहमी नंबर एक, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे सर में मान लीजिए कि एक सफेद बाल हो गया है और हम उसे जड़ से उखाड़ देते हैं तो उसी जड़ में कम से कम 3 से 4 बाल वापस से सफेद उग जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई बिल्कुल यह नहीं है कि हो सकता है कि अगर आप अपने सफेद बालों को उखाड़ें तो उसी जड़ से काले बाल भी उगना शुरू हो जाएं। गलत फहमी नंबर दो है कि अगर कई बार लोगों को लगता है बाल अगर सफेद हो गए हैं तो कलर करवाना ही उनके लिए एकमात्र रास्ता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो अपने बालों में 2-टोन कलर करवा सकते हैं या फिर अपने बालों में डाई कर सकते हैं। परमानेंट बालों के कलर को ही चेंज करना एकमात्र रास्ता कभी नहीं होता है। गलत फहमी नंबर 3 है, धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग करने की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपके शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी है और उस पर आप स्मोकिंग भी करते हैं तो इसकी वजह से चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप केवल स्मोकिंग कर रहे हैं और आपके खाने के अंदर पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है तो ये कारण नहीं हो सकता है कि आपके बाल सफेद हो रहे हैं। So, दोस्तों ये है कुछ गलत फहमियाँ और सच्चाइयाँ सफेद बालों से जुड़ी हुई, इसीलिए इन्हें देखिए और गलत फहमियों को अपने मन से हटा दीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।